दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं और उनका जन्मदिन 16 अगस्त को था। केजरीवाल तो जेल में हैं, लेकिन उनके जन्मदिन को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी उत्साह देखा गया। केजरीवाल की पार्टी के नेता इतना ज्यादा उतावले हो गए कि वो तिहाड़ जेल के बाहर ही जाकर बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन उनके सेलिब्रेशन में उस वक्त खलल पड़ गई जब पता चला कि आम आदमी पार्टी के लखनऊ जिलाध्यक्ष ने पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। लेकिन नेता के पार्टी छोड़ने के बाद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो सुलगता सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। तिहाड़ जेल के बाहर क्यों किया गया सेलिब्रेशन? लखनऊ आप जिलाध्यक्ष ने क्यों छोड़ी पार्टी? क्या आम आदमी पार्टी में होने वाली है बड़ी बगावत? जेल से कैसे केजरीवाल संभाल पाएंगे अपनी पार्टी? आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन 16 अगस्त को था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन मनाया। वहीं आप नेताओं ने दिल्ली सीएम को जन्मदिन की बधाई भी दी, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही और आम आदमी पार्टी के साथ केजरीवाल के लिए भी बुरी खबर आ गई। दरअसल राजधानी लखनऊ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। लखनऊ आप जिलाध्यक्ष शेखर दीक्षित ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है। बता दें कि शेखर दीक्षित पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष महोदय नमस्कार, जैसा कि आपको ज्ञात है कि फरवरी माह में मैंने आपको अपने जिला अध्यक्ष लखनऊ के पद से त्याग संदेश सौंपा था, अभी तक उसको स्वीकार नहीं किया गया है, जिस वजह से लखनऊ में संगठन कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कृपया नव जिलाध्यक्ष नियुक्त कर मेरे भी निवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें। आम आदमी पार्टी के लखनऊ जिलाध्यक्ष शेखर दीक्षित ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो संदेश में उन्होंने इस बारे में बताया है। शेखर दीक्षित का कहना है कि उन्होंने इस साल फरवरी में ही इस्तीफा दे दिया था, पर अब तक इसे स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए मुझे सार्वजनिक रूप से इसे बताना पड़ रहा है। मेरा पार्टी का यूपी प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह से आग्रह है कि वह इस्तीफा स्वीकार कर ले। मैं पिछले 5 महीने से जिला अध्यक्ष पद पर काम नहीं कर रहा हूं। क्या कहा है शेखर दीक्षित ने, आप भी सुनिए। साथियों नमस्ते, जय हिंद। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया और जिसमें आपको बताया कि मैंने आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष पद से फरवरी माह में, मतलब 5 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया था और उसको अभी तक प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक तो मेरी ये गुजारिश थी प्रदेश अध्यक्ष जी से कि उसको एक्सेप्ट कर ले और मुझे भी अवकाश दें। और दूसरी बात ये है कि राष्ट्रीय किसान मंच के साथ मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ा, संजय सिंह जी से प्रभावित होकर जुड़ा। संजय सिंह जी हम लोग के आंदोलनों में, संजय सिंह जी हम लोग के जो है सभाओं में आए, उसके बाद हम उनसे प्रभावित हुए और जुड़े। अब जैसा कि हमने सोचा था कि पार्टी में जुड़ने के बाद किसानों को नया आयाम दे पाएंगे और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको करने में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिज नहीं बन पाया जो बनना चाहिए था। तो मैंने फरवरी माह में इस्तीफा दे दिया था और अभी मैं इसको सार्वजनिक कर रहा हूँ क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं हुआ और मुझे लगता है कि संगठन के लखनऊ के कार्यकर्ता भी परेशान हैं, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है करना क्या है। मैं भी उनको नहीं गाइड कर पा रहा हूँ कि मुझे करना क्या है और मैं खुद भी नहीं बोल पा रहा हूँ इस बात को। तो मैंने बहुत इंतज़ार किया लेकिन अब मुझे लगता है सही समय था तो मुझे बताना चाहिए। कुछ ज़रूरी बातें हैं तो राष्ट्रीय किसान मंच के नए विस्तार के साथ वो बातें हम आपसे कुछ दिन बात करेंगे और आपको बताएंगे और मेरा अनुभव कैसा रहा पार्टी के साथ वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मेरा किसी से कोई मतभेद नहीं है, विचारों का मतभेद होता है, कोई व्यक्तिगत किसी से मतभेद नहीं होता है। तो कोई भी व्यक्ति इसको नकारात्मक ना ले, नकारात्मक ना समझे, ऐसा ना समझे कि मैं किसी और उद्देश्य की पूर्ति के लिए पार्टी छोड़ रहा हूँ या पार्टी को कुछ कह रहा हूँ। ठीक है, राजनीति में सब लगभग थोड़ा बहुत एक दूसरे के एक जैसे ही काम करते रहते हैं,
लेकिन किसान इसमें कहाँ फिट होगा, इसके लिए मैं गया था, इस विषय पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये संदेश सभी के लिए है कि मैं फिलहाल अभी लखनऊ के जिलाध्यक्ष पद पे कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, या 5 महीनों से नहीं कर रहा हूँ, और दिन पे दिन संगठन कमजोर होता जा रहा है, तो मुझे इसका दुख है, तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया और आपको भेजा। धन्यवाद। अपने वीडियो संदेश में शेखर दीक्षित ने कहा है कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा के साथ मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा, आप नेता संजय सिंह से प्रभावित होकर मैं इस पार्टी में आया। संजय सिंह हमारी सभाओं में आया करते थे, मैंने सोचा था कि आम आदमी पार्टी से जुड़ने के बाद हम किसानों से जुड़े मुद्दे को बड़े स्तर पर उठा सकेंगे, पर ऐसा नहीं हो सका। मैंने फरवरी माह में ही इस्तीफा दे दिया था और अब इसको सार्वजनिक कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। शेखर दीक्षित ने बताया कि इस्तीफा स्वीकार ना होने की वजह संगठन के कार्यकर्ताओं का परेशान होना है। मैंने बहुत इंतजार किया, मैं आगे आपको बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी के साथ मेरा कैसा अनुभव रहा। मेरा किसी से व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। गौरतलब है कि सांसद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी हैं, ऐसे में उनके ही करीबी का इस तरह से पार्टी को छोड़ना पार्टी के अंदर की स्थिति के बारे में काफी कुछ बता रहा है। एक तरफ केजरीवाल के जन्मदिन की पार्टी हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह के ही करीबी ने पार्टी को 440 वोल्ट का शॉक दे दिया, जिससे पार्टी में मातम पसरा हुआ है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। मनीष सिसोदिया जेल से आने के बाद अपने तीर चलाने से नहीं चूक रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया ने उस सवाल का जवाब भी दिया है जिसके बारे में काफी बातें हो रही थी। दरअसल दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाले में जमानत दे दी गई है। बेल मिलने के बाद से ही वे राजनीति में सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जा रही है, मीडिया को इंटरव्यू भी दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब उनकी तरफ से एक और इंटरव्यू दिया गया है और उसमें एक बड़ा खुलासा भी किया गया है। इस समय सभी के मन में एक सवाल है, जब केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया तो डिप्टी सीएम के पद से सिसोदिया ने तुरंत क्यों इस्तीफा दिया। पहली बार खुद मनीष सिसोदिया ने इस इंटरव्यू में इस सवाल का दो टुक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि एक डिप्टी सीएम या मंत्री के इस्तीफा देने में और सीएम के इस्तीफा देने में काफी फर्क होता है। एक मंत्री अगर इस्तीफा दे भी देता है तो किसी दूसरे को जिम्मेदारी दे दी जाती है, लेकिन अगर सीएम इस्तीफा दे देगा तो उस स्थिति में तो सरकार ही गिर जाएगी। जांच एजेंसी को लेकर क्या बोले सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने इस बात का भी जिक्र किया कि जांच एजेंसी को उनके या फिर उनके किसी भी साथी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, वो सिर्फ परेशान करते हैं, दबाव बनाते हैं कि केजरीवाल के खिलाफ बयान दो। वैसे इससे पहले भी सिसोदिया ने जब इंटरव्यू दिए थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी उन्हें जेल में रखा गया है। मनीष सिसोदिया के जेल वाले दिन। जेल के दिनों को याद करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि जेल में रहते हुए 15 घंटे उन्हें बिल्कुल अकेले ही रहना पड़ा था। छोटी सी जेल थी, कोई बात करने वाला नहीं था। उस समय तो मैं मानता हूं कि किताबें ही मेरी दोस्त बन गई थी, मैं खुद का ही और पक्का दोस्त बन गया। मनीष सिसोदिया ने इस बात का जिक्र भी किया कि सिर्फ 5 से 6 घंटे का वक्त ऐसा था जब 30 मिनट का ब्रेक मिलता था। उस समय वे जरूर कुछ लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। वैसे अपनी जेल यात्रा को लेकर मनीष सिसोदिया यह भी मानते हैं कि वे राजनीतिक रूप से कमजोर नहीं पड़े थे। उनका कहना था कि जंग तो वे बाहर रहकर भी लड़ रहे थे और जेल में भी उनकी वही भूमिका थी। केजरीवाल के बर्थडे पर सिसोदिया की बधाई। मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर सीएम केजरीवाल को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के रूप में आज देश का लोकतंत्र जेल में कैद है। मनीष सिसोदिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि देश में चल रही तानाशाही के खिलाफ सबसे कठिन लड़ाई लड़ने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री, मेरे परम मित्र और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें गर्व है कि हम एक ऐसे देशभक्त और क्रांतिकारी नेता के सिपाही हैं जिसने तानाशाह के सामने घुटने टेकने के बजाय जेल जाना स्वीकार किया। अरविंद केजरीवाल के रूप में आज देश का लोकतंत्र जेल में कैद है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल पिछले साल 16 अगस्त को अपने जन्मदिन पर अपने पुराने दोस्त मनीष सिसोदिया को याद कर रहे थे। वहीं इस साल जन्मदिन पर अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, तो वहीं मनीष सिसोदिया जेल के बाहर। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस पर देश आजाद लोकतंत्र जेल में नाम से एक कैंपेन की शुरुआत भी की है।
आपने आरोप लगाया कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार चुने हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अलोकतांत्रिक तरीके से बिना किसी अपराध और सबूत के केंद्र की तानाशाह सरकार ने एक झूठे केस में जेल की सलाखों के पीछे रखा है। इस वजह से मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर अपने सरकारी आवास पर तिरंगा नहीं फहरा सके। आपने इस कैंपेन को लॉन्च कर कहा कि आजादी के क्रांति वीरों ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को झूठे केस में जेल में रखा जाएगा। इसलिए आइए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम सभी तानाशाही के खिलाफ लड़ने का प्रण लें। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आवास पर तिरंगा ना फहराए जाने पर ट्वीट कर कहा है कि आज सीएम आवास पर तिरंगा नहीं फहराया जाएगा। इसका बहुत अफसोस रहा। यह तानाशाही एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रख सकती है, लेकिन दिल में देश प्रेम को कैसे रोक पाएगी। उधर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इसे लेकर देश की तानाशाह सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अंग्रेजों से आजादी की वर्षगांठ पर सलाम उस जज्बे को जो आजादी को तानाशाह से बचाए रखने के लिए आज तानाशाह की जेल में बंद है। यानी कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी में बुरी तरह से उथल पुथल मची हुई है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले वक्त में भी आम आदमी पार्टी को छोड़कर कोई नेता दूसरी पार्टी का दामन थाम लेगा। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।